फ्रेंड्स चुके हैं और अब हम घर जा रहे हैं। सारी रात सोए नहीं यार, सर्दी भी लगने लग गई। ये फ्रेंड्स सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसकी है, देखो कोई बात नहीं। तो सर ये क्या कर रहे हो आप? कैच के खेल रहे हैं सर। के चक्कर में अगर ये फूट गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना हमारे को। कुछ हुआ अभी, प्यास से मरने की नौबत आ जाती है अभी। इसको चेक करो या ये पत्थर पे गिर गया? ये नहीं गिरा, बच गया। भगवान इधर देखो, मेरी शक्ल देखो, बाल बाल बच गए, वरना इनका तो कुछ नहीं। मेरे तो पत्थर ही है सट्टी भाई के, दोनों के तो हमारे को दिक्कत हो जाती पानी की। हाँ इसके ये जो कैमरा में आया ना अभी, कैमरा में इसके देखो भाई, हम तो किसी से छुपाते नहीं है, जो चीज है वो बता देते है। मतलब पत्थरी सख्ती भाई की, समझ रहे हो आप? और ये हम पहुंचने वाले हैं और हम लगभग पहुंच गए। सुकून जन्नत करार दे, दिल को मेरे कसम से सुकून मिला तुझे है पाया रब से। ये हमारी लोकेशन, यहाँ पे हम स्पेंड करेंगे पूरी होल नाइट, पार्टी ऑल नाइट, पार्टी ऑल नाइट। ये हमारा क्लब है, क्लब को मालो गोली और मेरे को लग रही है भूख, तो हम कुछ यहाँ पे चूल्हा उल्हे का जुगाड़ करते हैं। मेरे को यहाँ पे कॉन्टेक्ट मिला हलवाई का, कुत्तों के लिए खाना बनाऊंगा मैं, कुत्तों के लाइव ही खाना बनाता हूँ। शादी वादी नहीं हुई इसलिए मेरे को इतना कुछ शौक नहीं है चीजों को बनाने का, लेकिन आज बनाऊंगा मैं। मेरी बात सुनो, मैं आप मानो या ना मानो कुत्तों खाना डालता हूँ रोज शाम सुबह, और आज भूल गया था इसलिए यहाँ पे कुत्ते लेके आया। एक दो तीन चार पाँच छह कुत्ते हैं, एक मैं हूँ सातवां। आज भूल गया था इसलिए खुद ही आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे आप इधर कैमरा इधर कीजिए, ये हमारे माची से यहाँ पे हम चूल्हा बनाते हैं, जो पहले पुराने लोग थे वो कैसे करते थे काम, इसलिए हम यहाँ पे खुदाई चल रही है। सर मेरी बात सुनो, कैमरा मैन इधर है ना, कैमरा मेरी तरफ। तो मैं सोच रहा हूँ उधर हवा ज्यादा आ रही इसलिए उधर हम खाना पकाने की कोशिश नहीं कर रहे। देखो यहाँ पे बबूल है और यहाँ पे सबसे अच्छी एरिया कम है, इधर हवा का लोकेशन है हमारी सबसे अच्छी। हुआ क्या है, हवा कि पीछे है ना अच्छे सारे पेड़ है, ये हमारा किचन है और इधर हमारी छत है, छत में बैठ के खाना खाएंगे, छत में खेल के खाएंगे। रीजन यहाँ पे ये है कि यहाँ पे हवा कम आ रही है इसलिए हमारा खाना जल्दी पकेगा, अगर उधर लगाएंगे हम वहाँ पे सुविधा भी बढ़िया है, लेकिन उधर लगाएंगे आग फैलने का डर होगा, इसलिए सर दो तीन पत्थर लेके आओ। बहुत अच्छी लोकेशन है, चारों तरफ बबूल के पेड़ है, इसलिए हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत ये है कि हमें हम काटों का इंतजाम करना पड़ेगा और वो भी रात के टाइम, यानी कि अब हमें नीचे जंगलों में उतरना पड़ेगा और लकड़ी ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि अभी ये गीला अभी बबूल है तो ये जलेगा नहीं ये पेड़, इसलिए हमें सूखी ऐसी टहनियों को इंतजाम करना पड़ेगा। ये तो जल्दी जल जाएगी इसकी, इससे मोटी साइज की लकड़ी। हमारे सोहेल सर हमारे सोहेल सर काटे लाने जा रहे हैं, ये रहे वो जा रहे हैं, ये देखिए इसमें क्या होता था, लोग ऐसे ही इसी प्रकार जैसे बट्टा हमारा खुदाई करके चूल्हा बना रहा है ना, पत्थरों का चूल्हा बनाएगा, ये ऐसे ही चूल्हे बना बना के काम चलाया जाता है। अभी भी कई सारे गांवों में या आदिवासी लोग ऐसा ही करते हैं, क्यों हमारे नहीं, उनके मिट्टी का बना होता है चूल्हा, हमारे घर पर करते हैं लेकिन पत्थरों का थोड़ी होता है भाई, वो चूल्हा तो होता है ना मिट्टी का चूल्हा। पत्थर अभी जो मानव जाति है वो आदिवासी भी अगर वो एक जगह टिक के रहने लगे हैं और वो चूल्हा मिट्टी का बनाते हैं, ऐसे रोज रोज अलग अलग जगह नहीं बनाते, और उनका भी एक जगह डेरा जमा होता है जिससे इकट्ठा होता है जानवरों जैसे। पहले इंसान एक जगह नहीं रुक सकता था, ये कांटे लेके आ गया, ये सोइल से कांटे लेके आए हैं अपने, सोइल सर ने एक अच्छा सा काम कर दिया है, जो लकड़ी है ना उसका बंदोबस्त कर दिया कांटों का। आज यार लगभग वो मैन वर्सेस वाइल्ड वाली फीलिंग आ रही है, और नरेंद्र आप वो क्या नाम है, बिल क्या नाम है, माइकल बियर्ड लग रहे हो सर आप, बियर्ड नहीं बियर। थैंक यू रख तो रहा हूँ, लेकिन अगर आपको स्नैक और मेंढक वगैरह खिला दूंगा मैं, चावल के अंदर हर चीज मिला सकते हो आप, अगर मैं यहाँ पे मिल गया ना मेंढक वेंढक तो सब डाल देना, डाल देना सर, डाल देना, डाल दूंगा। नहीं डालना भाई, वैसे भी लोगों ने लोगों की पॉपुलेशन के कारण जीव जंतुओं की बहुत 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 सारा लॉस हो गया है उनको। मेरी बात सुनो, जीव जंतुओं के चक्कर में एक रोग वो बीमारी आई थी कोरोना वायरस, वजह से हम गांव छोड़ के और यहाँ पे जंगल में बैठे, मेन चीज तो इसी के लिए आया है, क्योंकि हम उधर अंदर पॉजिटिव थे,
शहर के अंदर अपने घरों के पास हम बना नहीं सकते, इसीलिए बाहर आया है, पुलिस वाले पकड़ लेंगे। सर पंचोते मत करो, पत्थरों का इंतजाम करो, यहाँ पे चूल्हा तो बन गया मेरा। चलो पत्थर लेके आते हैं। बात ऐसी है, कैसी है सर वो दिमाग आप साइंस का है ना, साइंस की तरह सोचो, ये काम में नहीं आएगा। आपने लगाया ये मैंने ये लगाया है। खाना बनाना एक आर्ट है, और हम बचपन से ही साइंस लेके बैठे हैं। हम बहुत सारे कमजोर हैं इसमें। आर्ट सिर्फ इसने ली थी, आर्ट आर्ट जो आर्ट्स लेता है उसी को आर्ट्स क्या कहते हैं यार। ये एक आर्ट्स वाला आना सर इधर। तुम क्या काम करो, ये आर्ट्स वाले काम कर रहे हैं सारे। हाँ सर हम कैमरामैन। कैमरामैन क्या करता है कैमरामैन? कैमरा पकड़ के बैठा रहता है। काम कर लो, थोड़ा सा काम कर लो कमीनो। क्या सकते हैं लाइट ऑफ करिए जाए। देखना आप यहाँ पे, ये देखो। लगी। हम अभी साइंटिस्ट तो बनने नहीं है जो पत्थरों को रगड़ कर आग जला सके, तो हम जल सकती है वैसे, कोई बड़ी बात नहीं है। जल सकती है लेकिन हमारे पास है सुविधा। अरे छोड़ो रे, आ जाओ बैठो। हमारे पास वैसे माचिस लेकर आए हम, पुराने लोगों ने। लेकिन हमारे पास ये है, पुराने लोगों ने मतलब आग लगाने का जो तरीका है ना, वो जंगल में ऑटोमेटिक आग लगती थी, वहाँ से कोई भी चिंगारी उठाकर लाते थे और अपने यूज के लिए काम करते थे। जैसे पानी एक आदमी के लिए महत्वपूर्ण चीज है जीने के लिए, इंसान के लिए, वैसे ही जो आग आग है ना वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिना आग के आदमी जिंदा नहीं रह सकता। पहले ये खाना पकाने में काम आता है ये। पहले इसका यूज है खाना पकाने में। दूसरा अभी तो हम यूज नहीं करते। पहले पुराने आदमी जो थे ना जंगलों में रहते थे, वो आग का इस्तेमाल करते थे शिकारी से बचने के लिए। जैसे उनके पास आग होती थी तो जो भी उनके ऊपर शिकार करना आता था ना, जानवरों से बचने के लिए, जानवर अटैक करने से डरता था, तब उनके पास आग होती थी। और तीसरा महत्वपूर्ण काम जो है अभी, उसकी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई वैसे, वो है सर्दी से बचने के लिए। आग का तीसरा इम्पोर्टेंट काम जो पुराने इंसान थे हमारे, क्या बोलते सर, आदिमानव बोल सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो अवशेष मिले ना खुदाई में, उससे ऐसा माना जाता है कि 20 लाख करोड़ साल पहले पहला अवशेष मिला था, मतलब पूरा इंसान का। उससे पहले भी थे इंसान लेकिन उसका अवशेष मिला था और वो रहते थे। अब तो हम घर बनाने लग गए, पहले घर नहीं बने होते थे। पहले वो बचने के लिए, शिकार से बचने के लिए, बरसात की मार से बचने के लिए, सर्दी से बचने के लिए गुफाओं में पत्थरों के नीचे रहते थे। आज तो यार साइंस का चमत्कार है जो हम इतना शानदार। सर दिखा दो एक बार, पूरा शहर पूरा उससे घिरा हुआ है, ऐसे लग रहा है मानो दिवाली आ गई है। सर इधर देखो, मेरे साथ देखो, पत्थर गिरने जाए। इतना आपकी चश्मा कहाँ गई? ये सर चश्मा रही ना। सर चश्मा लगाओ, पहचानेंगे नहीं आप। हाँ बड्डा, मेरा नाम बड्डा, वो पीछे पीछे गिर जाए, इधर आ, इधर आओ, पीछे गिर जाए। पहले तो मेरा नाम ये बता दो, मेरा नाम बड्डा नहीं, मेरा नाम नरेंद्र है। चलो इसका नाम बड़े बड्डा है, बड्डा नहीं, नाम नरेंद्र है एक आधार कार्ड में, और वैसे बड्डा बोलते हैं, और मैं इसे कभी कभार चूतिया बोल देता हूँ। वो है ये गांव में ऐसा नाम होता है, क्या करे, सबके निकनेम है। हमारी जो बेचैन सी लाइफ है ना, उससे तो अच्छा सुकून है यार यहाँ। हाँ सर बड्डा, बड्डा सर मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि जो रात में यहाँ पे आने का मजा है वो दिन में नहीं है। हाँ। क्योंकि हमारे शहर के जो आज के जो जनरेशन में जो लोग हैं वो ऐसे चीजें पसंद नहीं करते हैं। पसंद तो करते हैं लेकिन उनको मन नहीं होता, क्योंकि उनको साथी नहीं मिलते है, कोई चलने वाला साथी। हमारी तरह आलसी हो गए, मेन बात तो आलसी हो गए। पहले का आदमी इतने शारीरिक मजबूत थे, फिजिकली स्ट्रांग थे, अभी ये ड्रम लाने में हमारी हालत खराब हो गई कसम से यार। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अभी हम जंगल के मतलब मेन पीक पर है यार, और आप मेरे उड़ते हुए बाल देख सकते हो, इतनी शानदार हवा। आज हम सारे भौतिक सुख साधन छोड़कर जंगलों में आ गए हैं, और प्राचीन समय में जो लोग जीते थे ना जैसी लाइफ, वैसी लाइफ जी रहे हैं यार। सच बोलो ना, कसम से बहुत बहुत आनंद है यार, बहुत आनंद है कसम से यार। मतलब इतना माइंड स्ट्रेस, हम शहर में रहते हैं, इतना माइंड स्ट्रेस है जिसका मतलब बहुत ज्यादा माइंड स्ट्रेस
स्टे से। ये कुत्ते हमारे खाने का जो कर रहे हैं सारे, ये देखो आप खाने का बंदोबस्त कर रहे हैं। और मैं कामचोर हूँ आपको बता दूँ, बोलना मत आप, मेरे को कुछ नहीं आता यार, कसम से मैं चाय भी नहीं बना सकता, केवल मैं बातें कर सकता हूँ जो कर रहा हूँ। ये कुत्ते खाना बना रहे हैं। कुत्ता तो मैं हूँ, ये तो अच्छे है, मैं भी चला जाऊंगा इनके पास खाना खाने। आज चावल खा के काम चलाना पड़ेगा, हम जहाँ पर रुके हुए ना, बहुत यहाँ पर सामने बहुत शानदार नजारा है यार, इतना सुकून है। हम फालतू दिखावे पर ही जिंदगी में जी रहे हैं यार, रियल में बहुत सुकून है कसम से यार, बहुत सुकून है। ये सारी ओए हाय, मेरी वजह से सब कुछ ये प्रोग्राम चल रहा है आपका, वरना भूखे मरते। विजय भाई तू बना, विजय भाई तू बना, विजय भाई बना रहे ना, हम सब मिलके बनाएंगे। अरे भाई तू बना, मैं जानता हूँ इस कमीने को, मेरी कसम भाई मैं जानता हूँ। ये हमारा जो भी पतीला, ओए इसे स्टेबल तो करो भाई, ये रीत कसम से तू रहने दे। ओए सब कुछ बना रहे हैं, ये देखो हमने सब माल फिल्टर लग के आए हम। विजय भाई तेरी कसम सच बोल रहा हूँ, मारवाड़ी में बोलू, तू बोले तो इसको नहीं आता तेल नहीं है। कितना मतलब इन रिस्पॉन्सिबल आदमी है यार, तो यार। पीड़े पीड़े। अरे बिरा ज्यादा जाए, मैं बोल रहा हूँ ना, हाँ नमक डाल, लून बचाली सही ला के लून आता यार, सब ये रहा है, धनो ये रहा है, पिछड़ो पिछड़ो धनो ये रहा है। तेल भी लेके आए जाले कुत्ते कमीने, गणे गणे मेरे को पता था, मेरे को पता था करके जाए, ज्यादा मिर्च ज्यादा विजय सर भाई बना ले, उल्टो कम भाई बना ले, भाई मैं बोल रहा हूँ बना ले, पानी डालो या पानी डालो। तुझे तारी कसम भाई तू बना ले, मुँह बोल रही तने बा 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 मार सामने से बन रही है, डाल ले ना कंजी ग्रास और ग्रास भर गाल की तू नमक को डाल, नहीं नमक ऊपर डाल लो ले भी जो और डाल लूंगा, मुझे नहीं लगता वो जिस हिसाब से हमारे पास मटेरियल है उस हिसाब से बनना चाहिए अच्छा खाना, तेल नहीं लाए कुछ भी हो। ओ सामान कौन कौन तैयार कर रहा था बताऊं क्या, ये शक्ति सामान तू भी डाल रहा था, अरे डाल रहा, मैं मम्मी जी को डलवाया था, उन्होंने बोला मैं डाल दूंगी इसलिए कम डाल दिया, घर वाले मम्मी जी की गलती नहीं है कहीं, क्यों कोई कोई किसी ने बोला था वहाँ पे के तेल की जरूरत क्या है उसमें ऐसे उबाल लेंगे, तो क्या दिक्कत है, पहले तेल याद आया था मतलब उस टाइम याद आया था, फिर भी नहीं लेके आए, बात सुनो वो तो एक टेस्ट के लिए तेल वाकई क्या काम आएगा तेल बताओ मेरे को, ये शक्ति सर ने बोला था तेल के बिना तेल के हम इसमें मर्च तो डाल रहे हैं बस। अरे इधर देख ये शक्ति सर, ये सर है, ये देखो सर इसका देखो कमीने को, खाने में तेल क्या काम में आता है इनसे पूछिए आप, बताओ चावड़े के बारे में, एक नंबर एक नंबर, काश मैं आपको खिला सकता सच में यार, हमारे जो दो शेफ है ना, शक्ल तो कुत्ते जैसी है इनकी दोनों की, मेरी बात सुनो पहले आपकी बात काटता हूँ, लेकिन जैसे ये दिख रहे हैं ना लोग देखते हैं उनको चावल खिला दोगे क्या आप, नहीं बिल्ला की, लेकिन यार सच में एक 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 बाइट तो ले सकते हैं सब ले सकते हैं सच में, कसम से यार शायद पहली बार बनाए, तजुर्बा है पहली बार ही बनाए, बहुत अच्छा जैसे दिख रहे ना वैसे ही है यार, बिना तेल के पहली बार बनाए मैंने, वो लग नहीं रहा है, लग नहीं रहा कि तेल की कमी है इसमें, सारे सब कुछ अच्छा करे यार, बाद में बात करेंगे। अब खाना हो गया हमारा, अब हम थोड़ा सा इंटरटेनमेंट करते हैं आपका और हमारा खुद का भी इंटरटेनमेंट के लिए कुछ करते हैं, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे कि यहाँ के जीव जंतु परेशान हो, बस हम अपना ही कुछ करेंगे, आप देखना बस। तेरे बिना गुजारा है दिल, से नूर था जब करीब तू था, एक जन्नत सदा ये जहां, की रेत पे कुछ मेरे नाम सा लिख के छोड़ गया, भूखा
सोने दे यार, पता नहीं कैसे कैसे नींद आने की, ट्राई कर रहा हूँ मैं, कैसे आ गए मेरे को। ये सब आदिवासी पड़े देखो, ये नरेंद्र नविंदर बड़ा आदिवासी, ये कैमरामैन देखो आज ये पड़ा है, ये सोनू सर। आपको क्या मेरे क्वेश्चन आप अड्डा कैसा लग रहा है रात को जंगल में सर्वाइव करना कैसा है? और चार जाके मेरे को आराम मिला है। फ्रेंड्स रात के 3:30 और हमें नींद नहीं आई यार, सर्दी लग रही है भयंकर, तो हमने आग जलाई और यहाँ पर बैठ गए तीनों। चार कुत्ते सो रहे हैं, जो बिछाने का था ना उसी को ओढ़ कर। चार बज चुके हैं और अब हम घर जा रहे हैं, सारी रात सोए नहीं यार, पत्थर चुभ रहे थे और हवा इतनी तेज थी कि सर्दी भी लगने लग गई, तो हम जा रहे हैं।